इब्राहिम पॉलिटिशियन के तरफ से रखा गया इफ्तारी का आयोजन। इस आयोजन में शिरकत किए पॉलिटिशियन, समाज सेवक, पत्रकार और अन्य माहिम के लोग। इस प्रोग्राम का मकसद था भाईचारे का संदेश देना और एकता का मैसेज लोगों तक पहुंचाना। सर, आज माहिम पुलिस को इफ्तार का प्रोग्राम लगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर नमस्कार, फोन कर रहे हूँ। 29 मई को माहिम पुलिस की तरफ से इफ्तार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें माहिम के सभी जाति धर्म के लोगों को आमंत्रित किया था। उसी मुताबिक सभी लोग हमारे इधर रोजा इफ्तार पार्टी में आए, हम उनका अधिक स्वागत किया और उन्हें ऐसे ही मिलजुल के रहने का मैसेज दिया। सर, इस प्रोग्राम का लोगों को मैसेज क्या जाएगा, क्या देना चाहिए इस प्रोग्राम के लोगों को मैसेज क्या देना? इसमें मैसेज यही रहेगा कि आपस में झगड़ा फसाद मत करो, मिलजुल के रहो, सभी भारतीय हैं और भारतीय बनकर रहे। थैंक यू। सर, आज माहिम पुलिस स्टेशन में इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है, इसमें आपका क्या कहना है? इस प्रोग्राम को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है ये। मैं माहिम में, माहिम का एक रेसिडेंट ही हूँ। मैं माहिम में मैं सीनियर पी आई बोल के 3 साल काम कर चुका हूँ और ये एकदम ट्रेडिशनली एकदम ट्रायल में जब से वो मुस्लिम पॉकेट्स वाले जितने भी पुलिस स्टेशन है, जहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है या ज़्यादा है, वहाँ पे ये ट्रेडिशन हर एक पुलिस स्टेशन पूरे ग्रेटर मुंबई पुलिस में होता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ खाली मुस्लिम नहीं, हर एक कम्युनिटी के लोग आते हैं, हर एक धर्म के लोग आते हैं। और ये खुश नसीबी है हमारी कि हम जो इफ्तार जो रोज़ा रखते हैं उनके साथ में रोज़ा खोलते हैं, और रोज़ा इफ्तारी वो करता है जो दिन भर रोज़ा रखा है जिसने। लेकिन हम तो दिन भर खाए हैं, लेकिन जो हमारे किस्मत है कि उनके साथ बैठे और उनके साथ में खाए, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक ये है, ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारा इज्जत है, हमारी इबादत है।